हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त 333 ध्रुव। तो दोस्तों, आज हम आपको ब्रश की बारे में जानकारी देंगे दोस्तों, क्योंकि हम जब खुद भी घर में करना चाहते हैं तो हमें एक ब्रश की ज़रूरत होती है दोस्तों। और जब हम किसी की घर में भी पेंट करने के लिए जाते हैं तो हमें ब्रश की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें कौन कौन सी साइज की ब्रश ज़रूरत है उसकी बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों। और इस वीडियो में आपको हम एक ही कंपनी का दो ब्रश आपको दिखाएंगे दोस्तों, और छोटा बड़ा जितना भी साइज है हमें ज़रूरत है उसके बारे में आज पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में दोस्तों। बने रहिए वीडियो पे। अगर आपने अभी तक अन्नपूर्णा होम पेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारी फेसबुक पेज पर हमें देख रहे हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दीजिए, और आप हमें टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं उसमें भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ दोस्तों। जब भी मैं कोई भी वीडियो ये सारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करूँगी तो सीधा आपके पास पहुँच जाएगा दोस्तों। तुम ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्तों हम चलते हैं और कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आप जो दो ब्रश देख रहे हो अभी, ये 5 इंच का ब्रश है और दोनों ही भारत कंपनी का है दोस्तों। लेकिन इसमें अंतर क्या है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ दोस्तों। जिस वाल में अगर पुट्टी नहीं करेंगे उस वाल पे हमें कौन सी ब्रश यूज करना चाहिए, और जिस वाल पर हम पुट्टी यूज करते हैं वहाँ पर हमें कौन सी ब्रश यूज करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, पहले हम इस ब्रश को देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये भारत कंपनी का ब्रश है दोस्तों, और आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों, ये जो ब्रश अभी देख रहे हो, देखो दोस्तों, इसमें जो बाल है इसका मोटा है। इसको दोस्तों हम पुट्टी के ऊपर यूज कर सकते हैं, और जिस वाल पर हम पुट्टी नहीं किए हैं उस पर भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जिस वाल पर हम पुट्टी नहीं किए हैं उस वाल पर ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो बाल है थोड़ा लॉन्ग भी है और इसमें बहुत मोटा से अच्छी तरह से कंपनी ने बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखिए कितने ml का है, 125 ml का पेंट रखेगा इसका अंदर। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, ये हो गया हमारा पहला ब्रश, और दूसरा ब्रश हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये ब्रश देखिए, ये भी भारत कंपनी का है दोस्तों, लेकिन इसका जो बाल है देखिए दोस्तों, इसमें पतला है। इसको आप पुट्टी के ऊपर यूज कर सकते हैं दोस्तों, और जिस वाल पर आप पुट्टी नहीं किए हो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि काम हमारा जो जल्दी नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसमें स्लोली होगा और ये ब्रश में काम जल्दी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये भी देखते हैं कितने ml का है, ये भी 125 ml का है दोस्तों। तो दोस्तों, ये दोनों ब्रश में से आपको कौन सा ब्रश पसंद आया बता देना दोस्तों। इसमें ब्लैक है और इसमें येलो है। तो दोस्तों, आप ये बता देना आपको ब्लैक कलर का अच्छा लगा या येलो कलर का ब्रश अच्छा लगा। तो दोस्तों, और कुछ ब्रश मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो ब्रश आप देख रहे हो ये 4 इंच का है, और ये 3 इंच का ब्रश है दोस्तों, और ये 2 इंच का ब्रश है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तीनों ब्रश को हमें कहाँ यूज करना चाहिए? तो दोस्तों, इसको हम वॉल में भी यूज कर सकते हैं और पुट्टी के ऊपर भी यूज कर सकते हैं इस ब्रश को। इसमें भी बहुत पतला वाल है लेकिन ये चल जाएगा दोस्तों। अगर जल्दी में काम करना है तो ये नहीं हो पाएगा, पुट्टी के ऊपर हो जाएगा दोस्तों। अगर कहीं बॉर्डर का काम है तो ये ब्रश से आप बॉर्डर का काम कर सकते हैं दोस्तों। बॉर्डर का मतलब आउटसाइड में जो हमारा छत का बॉर्डर होता है वहाँ पे ये अच्छा रहता है दोस्तों, 4 इंच का। तो दोस्तों, ये कितने ml का ब्रश है देखिए, 100 ml का ब्रश है दोस्तों, यानी 100 ml पेंट इसके अंदर रह सकता है और अच्छा काम हो सकता है दोस्तों। और ये जो ब्रश देख रहे हो दोस्तों, इसमें 75 ml का है दोस्तों। इसमें सिर्फ हम लाइनिंग कर सकते हैं और
दरवाजे के ऊपर जब पेंट करेंगे उसमें भी कर सकते हैं दोस्तों। ये 3 इंच का ब्रश है और ग्रिल भी इसमें कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो 2 इंच का ब्रश आप देख रहे हो दोस्तों, ये भी हम लाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं और ग्रिल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया तीनों साइज और 3 ब्रश अभी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। दोस्तों ये भी देखिए 25 ml का ब्रश है, 1 इंच साइज है इसका दोस्तों, 1 इंच का ब्रश है, लेकिन ये भी 1 इंच का है दोस्तों। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है दोनों में, दोनों में आप फर्क खुद देख सकते हैं। इस ये लंग हेयर है दोस्तों, इसको आप पुट्टी के ऊपर यूज कर सकते हैं और जिस वाल पर पुट्टी नहीं हुआ है आप इसको वहीं पे यूज कर सकते हैं दोस्तों। और ग्रिल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑयल पेंट के लिए और लाइनिंग के लिए और डिजाइन काम के लिए भी ये उपयोग में ला सकते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों 12 नंबर का ब्रश है, आप लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो है दोस्तों, ये 12 नंबर का ब्रश है। तो दोस्तों आज का बस इतना ही इस वीडियो में है। अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आपको हमने इस वीडियो में 3, 3, 3, 6, 2, 8 ब्रश के बारे में जानकारी दी है दोस्तों। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज़ हमें कमेंट करके कहिए दोस्तों।